दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अजय देवगन जी की एक और अनरिलीज मूवी के बारे में आपको बताएंगे जिसका नाम है सिंगर। दोस्तों इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद थे अजय देवगन, शिल्पा शिरोडकर, नगमा, कादर खान, पंकज बेरी, आनंद बलराज और रामी रेड्डी जी। दोस्तों इसके अलावा इस मूवी को म्यूजिक दिया था नदीम सरवन जी ने और इस मूवी के डायरेक्टर थे सुनील अग्निहोत्री जी और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे समीर और हनी जी। तो दोस्तों ये बात है साल 1993 की जब इस मूवी को अनाउंस किया गया था। और बात करें इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट की तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अजय देवगन जी इस मूवी को लीड कर रहे थे, मगर खास बात यह थी कि वह खुद इस फिल्म में डबल रोल की भूमिका में दिखाई देने वाले थे और यह देखना बेहद दिलचस्प रहता कि अजय देवगन का अपने दोनों रोल्स में कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। और देखा जाए तो अजय देवगन जी अपने रोल्स में वेरिएशन करना बखूबी जानते हैं, लेकिन दो अलग अलग किरदारों को एक ही मूवी में यूनिकस देना हमेशा से ही बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहा है, जहां अक्सर एक्टर डबल रोल के डिफ्रेंशिएट के चक्कर में अपनी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं मुतासिर करते हैं। लेकिन अजय देवगन जी मेथड एक्टिंग के मामले में बॉलीवुड के टॉप वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक हैं और उनकी काबिलियत पर भी हमें किसी किस्म का कोई शक नहीं, बल्कि उनके फैंस की तरफ से इस तरह के डबल रोल्स काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। और इसके अलावा फीमेल लीड की बात करें तो इस बार अजय देवगन जी के साथ शिल्पा शिरोडकर और नगमा जी स्क्रीन शेयर करने वाली थीं, जो काफ़ी फ्रेश पेयरिंग दिखाई दे रही थी। और मेरे ख्याल से इतने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट और अट्रैक्टिव टाइटल के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी शानदार बिजनेस करती। और देखा जाए तो साल 1993 में अनाउंसमेंट के बाद उसी साल इस मूवी की शूटिंग का भी आगाज कर दिया गया था, जहां डायरेक्टर सुनील अग्निहोत्री जी ने इस मूवी को 1993 में ही कंप्लीट कर दिया था और उसी साल इस मूवी को रिलीज भी किया जाना था, मगर रिलीज के बाद इस मूवी ने कुछ सीरियस लीगल इशूज पेश किए और ये मूवी कानूनी बंदिशों की वजह से कम्प्लीट होने के बावजूद भी अनरिलीज ही रह गई। और आज तकरीबन 30 साल गुजरने के बाद भी ये मूवी रिलीज ही नहीं हो पाई। और देखा जाए तो साल 1993 में ही ये मूवी 100% कंप्लीट हो चुकी थी और मेरे ख्याल से इस मूवी को अब भी रिलीज किया जा सकता है। और मेरे ओपिनियन के मुताबिक अगर इस मूवी को एक लिट OTT पर ही रिलीज कर दिया जाए तो ये मूवी अब भी बहुत से रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और जो भी हमारे दोस्त चैनल पर पहली बार आए हों, इस प्रकार के वीडियो आगे भी देखना चाहते हों तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।